हाई फ्रेंड्स, मैं अब सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आप सोचोगे कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ आगे, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर मिराज सिनेमा पर, जहाँ पर करीबन एक साल पहले मैंने एक ऐसी फिल्म देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। और पहली दफ़ा मैं अकेली फिल्म देखने भी आया था, और वो भी आप लोग के कहने पर, और मैं भी बहुत एक्साइटेड था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर जिंदा है की। टाइगर जिंदा है एक साल पहले रिलीज हुई थी, और आप सभी को याद है कि ये फिल्म कितनी बढ़िया थी। और इस फिल्म के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम से कम बहुत ज़्यादा ग्रो हुए थे, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। और ये फिल्म भी कमाल की थी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पीस एक तरह का जो है वो एक मैसेज नहीं कुछ की थी इस फिल्म ने, और बहुत बढ़िया मैसेज था। और सलमान खान कैटरीना कैफ की जोड़ी इस फिल्म में कमाल की थी। ये वीडियो मैं शायद सुबह भी बना सकता था, लेकिन मुझे उतना वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं बोला कि आराम से अगर वीडियो इस वीडियो को बनाना है तो यहाँ पे स्पेशल तरीके से ही बनाना पड़ेगा। तो सिनेमा थिएटर्स पे लोग आ रहे जा रहे, लेकिन हाँ मुझे याद है जो क्रेज़ था वो बहुत अच्छा था। मैंने अकेले फिल्म जोर देखी थी, लेकिन मैं अकेला फील नहीं कर रहा था। सभी सलमान खान के फैंस या बॉलीवुड फैंस थिएटर्स में थे और चेयर अप गए थे, और मैं भी दिल खोल कर इंजॉय कर रहा था, तालियाँ बजा रहा था, और हर एक सीन पर तालियाँ इंजॉय कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से म्यूज़िक था, डायरेक्शन था, परफॉर्मेंस थी, सभी एक क्लास की थी। तो आपकी क्या यादें हैं टाइगर जिंदा से जुड़ी, ज़रूर बताइएगा। बट फॉर मी दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, और मैंने 4.5 स्टार दिए थे अगर आपको याद होगा। तो चलिए फिलहाल, कितना ही वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लोकेशन ये मिराज सिनेमा गोरेगांव है, जहाँ पर मैंने ये फिल्म देखी थी। सो दिस इज सर्टेनली स्पेशल फीलिंग फॉर मी, एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस मूवी अलॉट। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।